सेनेट इलेक्शन की 37 नशिस्तों के लिए वोटिंग की गिनती जारी है। कौमी असम्बली सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली से सेनेट इंतखाबात के गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी की पलवशा खान खवातीन की नशिस्त पर 60 वोट लेकर कामयाब करार पाई। एम क्यू एम की खालदा तैयब खवातीन की नशिस्त पर 57 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं। बलूचिस्तान आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कादर जनरल नशिस्त पर कामयाब हुए, जबकि जे यू आई के उम्मीदवार मौलाना गफूर हैदरी जनरल नशिस्त पर कामयाब करार पाए। बी एन पी मैंगल के मोहम्मद कासिम ने जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अरबाब उमर फारूक जो हैं वो जनरल नशिस्त पर कामयाब हुए। बी ए पी के मंजूर अहमद काकड़ जनरल नशिस्त पर कामयाब करार पाए हैं, जबकि बी ए पी के सरफराज अहमद बुकटी ने जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। बी ए पी के प्रिंस अहमद उमर अहमद जई जनरल नशिस्त पर कामयाब करार पाए। सेनेट इलेक्शन की 37 नशिस्तों पर आज होने वाले इंतखाबात के लिए सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद से मजमू तौर पर 78 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पंजाब से तमाम उम्मीदवार गुज़िश्ता माह दीगर उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लेने या नाअहल होने के बाद बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो गए थे।